तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, अभी मैं खड़ा हूँ हाल फिलहाल मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड पे, और विशाल भी अपने साथ है। तो कैसे विशाल भैया? बहुत बढ़िया सर, बहुत ठीक है। तो मैंने पहले बोल दिया था वैसे तो पाउल भैया से भी कि भैया मैं आने वाला हूँ, और मैंने स्विफ्ट का भी इधर ही कराया था भैया अपना। हाँ, तो मैंने सोचा कि ब्रेजा भी आज यहीं पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो विशाल भैया, मेरा ना देखो मेन कंसर्न ये है कि मेरे को एक तो जितना भी मेरा कंफर्ट है उससे बिल्कुल भी मतलब खिलवाड़ नहीं करना, और ऐसा चाहिए कि जैसा अभी कम्फर्ट मिल रहा है वैसा वैसा ही रह रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ कि जो कम्फर्ट अभी आप ले रहे हो उसको भी थोड़ा एनहांस कर दो तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, मतलब लोगों का वही खत्म हो जाएगा वहम की अलॉय व्हील डलवाने के बाद। तो जो भी आपकी नीड्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट थिंग्स। ठीक है, तो विशाल भाई सबसे पहले टायर से स्टार्ट करें हम लोग की। अलॉय तो डिजाइन बहुत सारे, हम टायर से स्टार्ट करते हैं एक बार। सर, टायर्स की अगर बात की जाए तो 17 इंच में काफ़ी प्रोफाइल, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं इनोवा क्रिस्टा की अगर बात करूँ, 17 इंच उसमें भी आता है, उसमें कंपनी की तरफ से जो साइज आता है वो आता है 215/55/17। ठीक है, ठीक है। अगर 17 इंच के अलॉय की कंपनी ओरिजिनल अलॉय की बात करूँ तो उसका डाया थोड़ा पतला होता है। ठीक है, 7 इंच का या 7.5 इंच का रहता है, तो उसमें 215/55/17 ठीक रहता है। ठीक है, बट उसमें भी टायर में बल्जिंग आना, टायर का फट जाना या अलॉय का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना कॉमन थिंग है। ठीक है, बट उसको अगर हम अच्छे कंफर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो कंपनी का जो ओरिजिनल साइज 215/55/17 है उसको हम लेके जाते हैं 215/60/17। ठीक है, तो 215/55/17 और 215/60/17 में सिर्फ 5 mm का फर्क है। ठीक है, 5 mm की वजह से आपकी गाड़ी की ड्राइविबिलिटी, आपकी गाड़ी का कंफर्ट, आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी और हैंडलिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, और सिमिलर वे जैसे आपने ब्रेजा भी लिए, ब्रेजा में हम 17 इंच करने जा रहे हैं, तो 17 इंच में दो प्रोफाइल्स जो हैं वो मैं रेकमेंड करूंगा। एक तो है आपकी 215/60/17 सर। ठीक है, ठीक है, 215/60/17 है, और दूसरा है 225/55/17। ठीक है, सो दोनों में अगर बात की जाए तो 215 की इसकी चौड़ाई है, 60 की प्रोफाइल मोटाई है इसकी, और 17 इंच का इसका डाया। ठीक है, और 225 में जो 215 की बजाय हम 225, ताकि गाड़ी थोड़ी वाइड है, देखें, हाँ बिल्कुल, 225 की चौड़ाई होगी, और इसमें इससे 5 mm की जो विड्थ है, सॉरी आपकी मोटाई है, वो कम रहेगी। ठीक है, ड्यू टू द डाई स्ट्रक्चर द हाइट विल रिमेन द सेम। ठीक है, हाइट में कोई भी कुछ भी कमी नहीं होगी। ठीक है, और दोनों ही प्रोफाइल हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम अलॉय के अकॉर्डिंगली बात करें तो 225/55/17 बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है, एक तो आपको रोड ग्रिपिंग अच्छी लगेगी, रोड ग्रिपिंग बेटर होगी, कम्फर्ट में जो आप नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहते तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसमें एनहांसमेंट होगी। ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज, माइलेज में भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और चौथी चीज, जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो टोटली चेंज हो जाएगी, इट सीम्स लाइक अ न्यू जॉइंट कार। अच्छा, मतलब पूरी बल्की बल्की सर, बिल्कुल बल्की बल्की, अभी जो है वो थोड़ी छोटी 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 सी लग रही है, 17 इंच वाय डालने के बाद बिल्कुल काफी बड़ी लगेगी। अच्छा विशाल भाई, अभी तक मिथ क्या था? योकोहामा और मिशेलिन जो टायर्स हैं वो बेस्ट हैं। ठीक है, yes. अब मेरे को आप बताइए, आपने न्यू रिकमेंड करें आज, तो ये कौन सा अपने पास प्रोडक्ट है? सर देखिए, योकोहामा मिशेलिन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि अगर कम पैसे में उसके बराबर की या उससे अच्छी चीज मिल रही है बिल्कुल, तो कंसिडर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो माय रिकमेंडेशन इज फेडरल। ठीक है, जो वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स में एक ब्रांड है। ठीक है, परफॉर्मेंस कार्स के टायर्स डिजाइन होते हैं। ठीक है, में इंडियन एशियन कंट्रीज में, काफी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पे फेडरल के टायर्स आते हैं। ठीक है, राइट नाउ मर्सिडीज में यूज हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसमें 20 इंच का यूज हो रहा है। अच्छा, कंपनी बाय डिफॉल्ट ये देती है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इसमें अलग अलग साइजेस हैं। फेडरल कंपनी की अगर बात की जाए तो फेडरल में आपको 14 इंच से लेकर के 24 इंच तक, अच्छा, आपको टायर मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टायर साइज मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं वारंटी गारंटी की बात करूँ, वारंटी गारंटी जैसे आपने मिशेलिन की बात करी, योकोहामा की बात करी, तो सेम वैसी ही गारंटी वारंटी आपको इसी टायर में मिल जाएगी, वो भी कंपैरेटिव टू योकोहामा कम प्राइस में। ठीक है, सॉफ्टनेस अगर रोड पे बात करें इसकी ज्यादा है योकोहामा से? सर अगर मैं
योकोहामा की बात करूँ, फेडरल की बात करूँ या मिशिगन की बात करूँ, बोथ आर द सिमिलर प्रोडक्ट्स। बट हाँ, अगर रोड नॉइस की बात करूँ तो अगर ये वाले टायर मिशिगन योकोहामा अगर जीरो साइलेंस है तो ये माइनस जीरो। अच्छा, यस। रीजन, कोई भी टायर कंपनी अपने टायर के ऊपर कभी भी कोई बैजिंग ऐसी नहीं देती कि हाँ भी कि इट विल रिमेन द साइलेंस। सो टायर के ऊपर ही कंपनी अच्छा मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये साइलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके जो ब्रीफ छोटे छोटे आप स्लिट्स देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये रोड नॉइज को खत्म करते हैं, ठीक है। सीधे ग्रूव्स हैं, ठीक है। जब आपकी गाड़ी जो है वो मोशंस में होती है, चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो एयर है ये ग्रूव्स में से सीधा निकलती है, जिस वजह से आपको कोई भी रोड नॉइज, कार नॉइज फील नहीं होती है, ठीक है। और अगर कम्फर्ट की बात करूँ तो कम्फर्ट अनमैच्ड। अच्छा, अनमैच्ड कम्फर्ट है, बिकॉज अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की भी अगर बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इट विल बिहेव लाइक अ सस्पेंशन, बिल्कुल। एंड प्राइस अगर हम कंपेयर करें योकोहामा मिशिगन से तो कितना कुछ? योकोहामा मिशिगन से अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट पर टायर का आपका 1,000-1,500 रुपए का फर्क रहेगा। अच्छा, कम हो जाएगा, ठीक है, ओके, कम से कम ये है, बाकी ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। एनीवेज भैया, ये वाले टायर तो आज फाइनल है अपनी गाड़ी के लिए। अच्छा, मैंने हैंकुक लगवाए थे स्विफ्ट में, तो हैंकुक भी अच्छी ब्रांड बताते हैं? नो डाउट, हैंकुक इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, कोरियन ब्रांड, ठीक है, टायर बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि हाँ भी कि अपने अपने टेस्ट बर्ड्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, किसी को ज्यादा तीखा पसंद है, बिल्कुल, किसी को कम तीखा पसंद है, सही बात। सो जहाँ पे जिसका कम्फर्ट बना हुआ है वो उसी चीज को प्रेफर करता है, बिल्कुल, सिमिलर थिंग। और फेडरल एक ऐसा ब्रांड है कि कस्टमर को एक बार समझाना पड़ता है, एक बार अगर वो कस्टमर पेट्रोल का कोई भी टायर साइज रन कर लेता है उसके बाद वो ये लेता है, मतलब उसका सिर्फ फोन आता है कि सर कार आ रही है, अच्छा, पेट्रोल के 4 टायर इंस्टॉल कर रहे हैं या 5 टायर इंस्टॉल कर रहे हैं। चलो भाई, ये आज हम लोगों ने पक्की कर ली अपनी, और फिर रिव्यू तो मैं आप लोगों को दूंगा। अब एक बार अलॉय व्हील्स की तरफ चलते हैं, है ना? तो विशाल भाई, हमने टायर्स तो सेलेक्ट कर ही लिए हैं, है ना? जी, जी, जी। अब मेन है यहाँ पे, देखो अलॉयज इतने सारे हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया देख देख के, और मतलब जिसको दोबारा देखो तो यूँ लगता है कि भाई ये भी लगवा लेते हैं, ये भी लगवा लेते हैं, तो वैरायटीज बहुत अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपने मेरे को, मैंने आपसे बोला है कि मुझे बिल्कुल भी कम्फर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना, तो बेस्ट साइज कौन सा रहेगा कि गाड़ी वाइड भी लगे? और हम एक काम करते हैं सर, हम दोनों ही साइज इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है, 215/60/17, ठीक है, 225/55/17, ठीक है, एक तो गाड़ी की लुक का पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरा ये है कि हाँ भी की रोड प्रेजेंस के साथ साथ कंफर्ट कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या सेम रहेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अलॉय का साइज 17 रखने वाले हैं, अलॉय साइज 17 है, 18 भी कर सकते हैं, बट 18 में ये है कि हाँ भी की आपको प्रोफाइल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 18 में जो प्रोफाइल है आपकी वो काफी कम हो जाएगा। प्रोफाइल से अगर देसी भाषा में समझाएं तो जो ऊपर का मटेरियल होता है वो कम हो जाता है, लो प्रोफाइल हो जाते हैं। देसी भाषा में अगर समझाएं तो जैसे 215, ठीक है, की उसकी चौड़ाई है, ठीक है, 215 का 60% जो साइड वाला हिस्सा है उसकी मोटाई, ठीक है, वो 60% होता है, ठीक है, 225/55 में 225 का 55% हिस्सा, ठीक है, वो चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज चलती है जिसको हम इंग्लिश भाषा में या ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में साइड बोलते हैं, साइड वॉल भी बोल सकते हैं, और प्लस एस्पेक्ट रेशियो भी बोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो जब हम रोड के ऊपर चलते हैं तो रोड के ऊपर सडनली आप चल रहे हो और कोई खड्डा आ गया, खड्डे में से अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो जितनी प्रोफाइल अच्छी होगी उतना ही कम्फर्ट अच्छा रहेगा, बिल्कुल, ये बात एकदम सही रही आपने। तो आज अपना देखो मेन यही है कि आप भी जानते हो कि भैया मैक्सिमम लोग 90% ये सोचते हैं कि अलॉय व्हील्स लगवा लिए तो कंफर्ट खत्म, मतलब सबकी ये सोचने की वो है, बट अपना जो आज मेन मुद्दा है या मकसद ये है कि अलॉय व्हील्स लगवाने के बाद कंफर्ट बढ़ भी सकता है आप लोगों का, बिल्कुल, अगर प्रोफेशनल तरीके से दोनों चीज़ों का मैच करा गया, है ना? देखिए, अलॉय व्हील के लिए ना एक मिथ बनी हुई है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर थिंक कि हाँ भी कि अलॉय व्हील लगाने से जो है कंफर्ट खत्म हो जाएगा जी, माइलेज डिक्रीज हो जाएगी, गाड़ी की सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें सच भी बोल रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अलॉय का या टायर्स का ब्रांड कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्लाटी ब्रांड की मैं बात करूँ तो प्लाटी राइट नाउ इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है, नंबर 1 ब्रांड है आप लोगों की वजह से, ठीक है, आप जैसे भाइयों की वजह से, आप जैसे कस्टमर्स की वजह से, जिन्होंने प्लाटी के ऊपर इतना फेथ दिखाया कि पिछले 20-25 साल से इसके बराबर कोई ब्रांड नहीं आ सका। उसका रीजन एक ही है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लो प्रेशर डाईकास्ट मटेरियल है, ठीक है, नॉर्मल अलॉयज जो आप देखते हो मार्केट में किसी भी
ब्रांड के वो डाईकास्ट मटेरियल जो देगी मटेरियल हम जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं, तो जिस फोर्स पे आकर के वो अलॉय क्रैक हो सकता है या टूट सकता है, तो उस फोर्स के ऊपर ये अलॉय सिर्फ और सिर्फ हल्का सा बेंड होगा जो कि रिपेयरेबल है। ठीक है, और अलॉय नए अलॉय की कॉस्ट से रिपेयर की कॉस्ट काफी कम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, लो प्रेशर डाईकास्ट मटेरियल होने की वजह से नॉर्मल अलॉय से ये वेट वाइज भी कम होता है। ठीक है, जिससे कि गाड़ी की माइलेज में भी कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं, तो जाहिर सी बात है कि जितना वजन गाड़ी पे कम होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही निखरेगी। बिल्कुल, ज्यादा होगी, गाड़ी हल्की चलेगी, स्टीयरिंग भी थोड़ा लाइट फील होगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो गाइस, हम लोगों ने ना यहाँ पे आज पांच कितने निकाले हैं विशाल भैया? छह डिजाइन निकाले हम लोगों ने और तीन हैं, जिसमें कि ब्लैक हमने दो रखे हैं, बाकी मोस्टली सिल्वर में है ना सारे के सारे। तो अभी एक एक करके इंस्टॉल करवा के दिखाएंगे हम लोग, और ये सारे ऑलमोस्ट न्यू डिजाइन है ना? बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव डिजाइन है। तो भाई अपनी ब्रेजा यहाँ पे आ चुकी है एंड टायर जो है खुलने भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। बेसिकली पहला टायर जो है यहाँ से खुल चुका है अपना, उसी हिसाब से दूसरा भी खुलेगा एंड साथ ही साथ चारों के चारों टायर जो हैं वो खुलेंगे। और ये टायर जो है मैं ऑब्वियस सी बात है कि वापस देने ही वाला हूँ, ये टायर भी जो वापस दूंगा तो सारे के सारे टायर जो है मैं वापस दे दूंगा, और उसके बाद नया लॉय इसके डिज़ाइन देखते हैं कौन से कैसे कैसे लगे। भैया इस यहाँ पे लग चुके हैं दो टायर्स अपने, एक तो आपको पीछे दिख रहा होगा ये डिज़ाइन हमने चूज़ करा है, एक आगे वाला है। अब पर्सनली मेरे से पूछा जाए और विशाल भी, हम दोनों ने डिसाइड करा है कि हमें तो भाई जो पीछे वाला है ना वो ज़्यादा बेटर लगा। विशाल भैया पीछे वाला ज़्यादा सही लग रहा है ना? एग्जैक्टली, पीछे वाले की मतलब पूरी फिटिंग ऐसी लग रही है कि हमें कि जेन्युइन जैसे कंपनी की तरफ से ही रिकमेंडेशन। बिल्कुल, और इस पे टायर स्टिकर वगैरह भी लगा लेंगे तो और भी ज्यादा सही लगेगा। एग्जैक्टली, अभी 2/15/60/17 का उस पे टायर लगा हुआ है। हाँ, तो उस पे टायर इंस्टॉलेशन जो होगी वो 225/55/17 के, बाकी अभी चार सैंपल और हैं तो वो भी एक बार लगा के देखते हैं। बिल्कुल, हमने ये दो लगा के देखे थे बस कैसे लग रहे हैं, तो अभी ये उतरेंगे फिर दूसरे वाले लगेंगे। विशाल भाई इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है अभी? देखिए दोनों की अपील अपनी वेब डिजाइन में आ जाता है, तो थोड़ा सा डेंस अलॉय है। हाँ, और थोड़ा सा कंपैरेटिव टू फ्रंट वन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रियर वाला मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, और बट अभी भी दिल में ना कहीं पे कहीं जो ब्लैक वाला है ना वो भी कंपटीशन होगा दोनों। हाँ, तो वो कंपटीशन होगा, तो अभी ये वाला ज्यादा सही लग रहा है उसके कंपेयर में, तो वो वाला हटाते हैं, वो लगा लेते हैं। ठीक है, सो गाइस अगेन यहाँ पे लग चुका है पीछे वाला, तो वही है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फ्रंट वाला डिजाइन अलग है। एक और है ब्लैक अपने पास ऑप्शन में, वो भी देखते हैं। अच्छा विशाल भाई, ऐसे ही क्यों हो रहा है कि ब्लैक ही बार बार मन में आ रहा है? मतलब ब्लैक ही, बिकॉज गाड़ी का कलर तो व्हाइट है बट इसकी जो क्लाइडिंग है वो थोड़ा डार्क ग्रे टोन की है, तो ब्लैक कहीं ना कहीं उसकी क्लाइडिंग के साथ मैच कर रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ब्लैक जो अलॉय है वो ज्यादा दिमाग में अपनी इमेज छोड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से प्योर ब्लैक से ये वाले ब्लैक टाइप अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें है ना, क्योंकि इसमें दिख भी रहा है लाइनिंग आ रही है, तो नोटिस में आएगा कि अलॉयस लगे हुए हैं। तो ये पीछे ब्लैक लग चुका है, दिख रहा होगा, मतलब एक आइडिया के लिए कि भाई कैसा कुछ है। इफ यू आस्क मी, भाई मेरे को पर्सनली ये वाला ब्लैक जो है इतना सही पसंद नहीं आया, उसमें ना वो होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत जो अपनी पॉलिश टाइप सी होनी थी। एनीवेज यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई, तो मतलब देखो बेशक ये हमें वो वाला पसंद आया हो, बट ये ब्लैक फिर भी अच्छा लग रहा है अभी दोनों में से ना, तो एंड दी एंड ये लग रहा है कि ब्लैक ही पसंद आया है ना। तो भाई एक बार हम लोग वापस ऊपर जाके देख के आते हैं कि भाई एक बार कोई वापस से पसंद आए, नहीं तो मोस्टली अभी वो वाला जो ब्लैक है वही डिसाइडेड है ना। बट वो जो टायर साइज प्रोफाइल है वो चेंज होगी, वो टायर प्रोफाइल जो है उसमें अभी 2/15/60/17 की लगी हुई है, तो टायर प्रोफाइल उसमें हम 2/25/55/17 की उसको थोड़ा वाइड करने के लिए, भाई यही वाला पेट्रोल का टायर हम इंस्टॉल करके एक बार लगा के देखते हैं क्या क्या लुक आती है ना। तो एक बार ये इतने हो जाते हैं हम लोग ऊपर चले विशाल एक बार देखना है ना। बल्कि यहाँ पे हो रखी है अपनी यही कोटिंग का है यहाँ पे सारा सेरेमिक कोटिंग का है। ठीक है, बेसिकली हमारी दो बेस हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे दो गाड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अभी एक मर्सिडीज होकर के गई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि हमारी की एक वेन्यू बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल, तो इस सेक्शन के जो इंचार्ज हैं, तो ये सर है यहाँ पे, तो इंचार्ज ऑफ सेरेमिक कोटिंग सेंटर। सर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है यहाँ पे? हम यहाँ पर गाड़ी को स्टीम वॉश करते हैं। ठीक है, और कोटिंग करते हैं, सेरेमिक कोटिंग करते हैं हम उसके साथ, पीपीएफ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर कैटल कर रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड विच इज कॉल्ड ऑप्टिगोर फ्रॉम यूएसए। ठीक है, दे यूज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, SiC। ठीक है, विच ऑप्टिगोर ऑनली कैन प्रोवाइड। ठीक है, तो जिससे हाइड्रोफोबिक इम्पैक्ट गाड़ी पर अच्छा रहता है। हाँ, और कंटेमिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, गाड़ी पे डस्ट वगैरह नहीं सेटल होती लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, पेंट तो लोग ठीक है हमेशा रहते हैं। ठीक,
चॉइस बेसिकली ये है कि भैया आप लोग यहाँ पे अलॉयज लगवाने और नीचे अपनी गाड़ी की डिटेलिंग भी करवा लो, है ना। तो चाहे नई गाड़ी हो, अभी मेरी नई की नई गाड़ी उस पर भी मैंने करवाई है, तो नई गाड़ी हो चाहे पुरानी हो, डिटेलिंग की जरूरत पड़ती पड़ती है, क्योंकि आजकल नई गाड़ियों में भी पेंट का एक इशू आ रखा है, पीलापन थोड़ा सा रहता है पेंट पे, येलोइश। तो भाई आपको डिटेलिंग करवानी हो तो नीचे आके आप लोग करवा सकते हो, ये ऊपर मुंगा टाइल्स की बेसमेंट में है ना। पांच ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी गाड़ी का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्विस कोटिंग कर सकती है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, एसिड रेन हो गया, या इंडस्ट्री पाउडर हो गया, ऑयल ड्रॉपिंग हो गई, या ट्री बग्स हो गए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप तभी कंट्रोल कर सकते हो अगर आप आपकी गाड़ी के ऊपर छाता लगा सकते हो, वो आप करोगे नहीं। बिल्कुल, उसके लिए एक ही ऑप्शन है सेरेमिक कोटिंग। सो गाइस आप लोग भी आके करवा सकते हो, मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है और पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड। वेल गाइस, जितना अच्छा विशाल व्यास से मिलके लगा उतना सर से भी मिलके अच्छा लगा। सर बेसिकली यहाँ पे मुंगा टायर्स पे जीएम है, तो सर एक छोटा सा मतलब देखो, मैं अभी मेरे से बाहर भी एक दो लोगों ने पूछा कि यार दिल्ली में तुम्हें अलॉय नहीं मिलेगा कि तुम लोग इतनी दूर आए हो, तो आप अपने एक बार तरीके समझा दो कि भाई एक्चुअल में फेक और ओरिजिनल में फ़र्क क्या होता है, और सच्ची में अलॉयज मतलब आप अपनी तरीके से समझाइए। हमारा यहाँ का एक फंडा है कि हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला शोरूम है जिसमें सिंगल ब्रांड शोरूम, ठीक है, लॉयज में सिर्फ हमारे पास प्लैटिनम होता है, ठीक है, और हर साइज में हर पीसीडी में पूरी फुल वैरायटी होती है, ठीक है, 12 इंच से लेकर के 26 तक की पूरी कंप्लीट रेंज है, ठीक है, ठीक है। और बाकी टायर के बीच में लगा के देखो तो मैक्सिमम जो अच्छे ब्रांड है उनकी हमारे पास डीलरशिप है, लाइक यूकोमा लगा लो, फेडरल है, परिनी है, अपोलो है, गुडियर है, इन सभी की हमारे पास डीलरशिप है, ठीक है। और यही एक है कि अगर कस्टमर आता है तो हमारे एक ही शोरूम में कम्प्लीट उसको रेंज मिल जाती है, बिल्कुल, और कंफ्यूज भी नहीं होते ब्रांड्स के बीच। और हमारे शोरूम में साथ में एक्सेसरी का सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल, साथ में आप कोटिंग का लगा के बिल्कुल कंप्लीट सेटअप हमारे पास, और आने वाले टाइम में कुछ और बेटर करने वाले बिल्कुल, वो थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और की प्लैटी ब्रांड कहाँ की है ये भी आप एक बार मतलब बता दीजिए। ताइवान ब्रांड है, ठीक है, और प्लैटी के बारे में तो आई थिंक किसी से कोई छुपा भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। और लास्ट हम 18-20 साल से इसके साथ अटैच है, बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल इसके साथ रहते हैं। अच्छा वैसे कुछ ऐसी चीज होती है जो प्लैटी को मतलब यहाँ पे तो देखो 100% ओरिजिनल है, ये चीज किसी से छुपी नहीं और सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। सपोज करिए XYZ शोरूम दिल्ली का हो या कहीं का हो, वहाँ पे प्लैटी बेचा जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज जो आप रिकमेंड करो कि भाई हाँ ये या वो पक्का बिल दे रहे हैं तो ओरिजिनल है, ऐसा कुछ? देखो ऐसा डुप्लीकेसी कंफर्म है कि आ रही है मार्केट में, जो भी इसका कोई भी अच्छा डिजाइन आ जाता है उसकी कॉपी रेगुलर हो रही है मार्केट में, बिल्कुल, उसके लिए कंपनी ने पंचिंग करनी स्टार्ट करी हुई है, स्टैम्पिंग करनी स्टार्ट करी हुई है, इनसाइड में स्टैम्पिंग होती है प्लैटी की अलग से, ठीक है, और उससे कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, कि वो प्लैटी ओरिजिनल ले तो प्लैटी किसी भी ऑथराइज डीलर से ले लें, बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ओरिजिनल ही देगा, उसमें कोई मिक्स मैच करके नहीं देगा, ठीक है। अच्छा चलते चलते सर एक बार आप भी कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए कि कैसे आप लोग उसे कॉन्टैक्ट करें। और हमारा जो एड्रेस पड़ता है दिल्ली रोड हीरो साइकिल के अपोजिट साइड ग्यारपुरा चौक लुधियाना, ठीक है, कभी भी आप कहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए इसके बाद अब मैं डायरेक्ट रिव्यू दिखाऊंगा अपना रोड पे ले जाके।